चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएचयू में प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल जब किया गया तो उसको लेकर दरअसल बवाल हुआ है। आपको बता दें कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल सब्जेक्ट के पेपर में बीफ पर सवाल पूछा गया कि बीफ का वर्गीकरण करें। छात्रों ने वीसी से कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदार शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का यह आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में विश्वविद्यालय में जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को आहत करने का काम किया जा रहा है। पहले वीसी की ओर से कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और अब बीफ को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बीएचयू में बीफ पर कई सवाल, जो सवाल आए पेपर में उसको लेकर अब विवाद यहां पे दरअसल उठा है और छात्रों ने ही इसको लेकर आवाज उठाई है और उसको लेकर शिकायत भी की। छात्रों का यह आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से विश्वविद्यालय में जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को आहत करने का काम किया जा रहा है। पहले वीसी की ओर से कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन और अब बीफ को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। दरअसल जो वोकेशनल कोर्स है उसमें सेकेंड टर्म में ये प्रश्न पूछा गया है कि बीफ का वर्गीकरण करें और बीफ बनाने की विधि इसे बताएं, और इसी को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्र कह रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मामना पंडित मदन मोहन मालवीय वो गौ हत्या के खिलाफ थे, और ये देखिए काशी विश्वविद्यालय में ये बीएचयू के अंदर ये किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जानबूझकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि हिंदुओं की आस्था आहत हो। और इससे पहले जो तस्वीरें, ये देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, दरअसल इफ्तार पार्टी जब हुई थी उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है जी इस पर। हालांकि बीएचयू की तरफ से सफाई भी आई थी और ये कहा गया था कि ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर बवाल किया जा रहा है कि यहां पर पहली बार इफ्तार पार्टी की गई, उससे पहले कुछ और तस्वीरें भी बीएचयू की तरफ से जारी कर दी गई थी कि पहले भी यहां पर इफ्तार पार्टी होती रही है, इसलिए इसको ज्यादा तूल ना दिया जाए। तो जानबूझकर हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जा रहा है, छात्रों का यह कहना, और उसको लेकर अब लगातार शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि इस पर आखिर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है।